हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम दो या दो से अधिक नंबर को मल्टीप्लाई कराना सीखेंगे। कहां? लिब्रा बेस में, यानी लिब्रा डेटाबेस में इसको सीखेंगे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड के लिए अवेलेबल है नेट पर, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं लिब्रा डेटाबेस। ठीक है, लिब्रा ऑफिस आपको डाउनलोड करना होगा, उसमें आपको ये पूरा सॉफ्टवेयर का पैकेज है। इसमें आपको लिब्रा राइटर, लिब्रा कैल्क, लिब्रा बेस डेटाबेस और लिब्रा प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर भी आपको मिल जाएगा। यहां से इसे सेव पे कर लेता हूं, क्रिएट डिजाइन व्यू, यहां पर जाता हूं, यहां पर डिजाइन कर लेता हूं, यहां पे लिखता हूं नम1। नम1 यानी कोई भी एक फील्ड मैंने डाल दी है नम1 नाम से। ठीक है, फिर यहां कर देता हूं नम2। अगर आप दो से अधिक नंबर्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आपको तीन चार जितने फील्ड्स की जरूरत है वो फील्ड आप ले सकते हैं। यहां पर मैं कर देता हूं नम3। अगर मुझे तीन फील्ड की जरूरत है, नम3 कर दिया। ये नाम अलग अलग लिख रहा हूं ताकि पहचान हो जाए, तो ये नंबर कर दिया यहां पर, और फिर यहां पर भी कर देता हूं नंबर, और फिर एट लास्ट यहां पर भी कर देता हूं नंबर। तो ये तीनों मैंने नंबर कर दिया है, लेकिन हमने प्राइमरी की असाइन नहीं की है, तो यहां सेव करते वक्त हमें प्राइमरी की देनी होगी। तो यहां पे अपने ऑटोमेटिकली प्राइमरी की ले लेगा, आईडी ऊपर करके आ जाएगी। यहां पे देख सकते हैं एक चाबी सा आपका बना हुआ आ गया है, तो ये चाबी का मतलब समझ लीजिए कि ये की प्राइमरी की है। ठीक है, चलिए अब यहां पर हमें सेव कर लेना। इसे सेव करने के बाद इसको क्लोज कर दीजिए। यहां से जैसे ही क्लोज करेंगे तो यहां पर आएंगे और टेबल 2, यही हमारी टेबल है, डबल क्लिक करिए और ये टेबल ओपन हो जाएगी। और यहां पर कोई वैल्यू हमें एंटर करनी है, जैसे मान लीजिए यहां पर तो आईडी आ रही है, तो यहां पे आईडी हमने दे दिया 1। ठीक है, अब यहां पर आए 45 दे दिया, 45 इंटू 1 इंटू 6, तो इसका हमें आंसर चाहिए। फिर यहां 2 किया, फिर यहां पर कर दिया 4 इंटू 2 इंटू 7, इसका हमें आंसर चाहिए। फिर यहां पर 3 कर दिया आईडी, और यहां पर 23 इंटू 1 इंटू 2, इसका हमें आंसर चाहिए। इसी तरह से आप चाहे जितनी भी वैल्यूज आप एंटर कर सकते हैं। तो अभी हमको इसका आंसर चाहिए, क्या करेंगे, करेंगे क्या हम? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली इसे सेव कर लेना है। यहां से सेव तो कर ही चुके हैं हम, सेव करने की जरूरत नहीं। यहां पर क्लिक कीजिए तो ये क्लोज हो जाएगा, और अब इसे ले लीजिए डिजाइन व्यू पर। तो ये जो टेबल है इसे हमें डिजाइन व्यू पे लेके जाना होगा, क्वेरीज पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्वेरीज पे जाएंगे तो यहाँ पे क्वेरी इन डिजाइन व्यू, यहाँ पे डिजाइन व्यू में ये खुल जाएगा। अब यहाँ पे हमें टेबल 2 लेना है, टेबल 2 पे कर दीजिए क्लिक, ऐड करवा दीजिए इसे। ठीक है, जो जो आपको चाहिए वो ले लीजिए। जैसे आईडी भी चाहिए हमें, नम1 चाहिए, नम2 चाहिए, नम3 चाहिए, तीनों चाहिए, तो हमने तीनों ले लिया। अब यहां पर हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, हम यहां क्या कर रहे हैं, हम यहां कर रहे हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां पर आपको कुछ भी लिखना नहीं है, ये बात याद रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के जैसे यहां पर कुछ भी लिखना नहीं है आपको, और हमेशा डबल इनोटेड कोट्स का प्रयोग करना है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग नहीं करना है। पहला जो हमने फील्ड लिया है वो नम1 है, इनटू का साइन लगाया। ठीक है, इसको क्लोज कर दीजिए, जो आपने इनवर्टेड कोट लगाया उसको क्लोज करिए, फिर इनटू का साइन लगाइए, फिर यहां लिखिए नम2। ठीक है, और ये नम2 लिखिए, और यहां पर डबल इनोटेड कोट्स को क्लोज कर दीजिए, और यहां पर डबल इनोटेड कोट्स ओपन करिए, फिर क्लोज करिए, फिर यहां पर इनटू का साइन लगाइए, फिर यहां पर लिखिए नम3। ठीक है, और यहां पर भी डबल इनोटेड कोट्स क्लोज कीजिए, और यहां पर क्लोज है तो ओपन तो होगा ही, तो यहां पे ओपन भी कर लीजिए। अब ये इतना कर दिया आपने, इस फील्ड को आप नाम क्या देना चाहते हैं वो दे दीजिए अलियास में। यहां अलियास देख रहे हैं आप, अलियास में आप चाहे तो नाम दे सकते हैं। जैसे हम यहां कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो यहां लिखता हूं मैं मल्टीप्लाई, ये लिख दिया हमने, तो यहां पर टाइटल जो है इसकी मल्टीप्लाई लिख करके आएगा। ठीक है, अब यहां से इसको सेव कर लेता हूं, ये क्वेरी 1 के नाम से सेव हो रहा है, हम इसको नाम चेंज कर देते हैं। यहां पर लिख देता हूं मैं मल्टीप्लाई, ओके, तो ये मल्टीप्लाई लिख दिया, एंटर प्रेस कर दिया, तो ये मल्टीप्लाई के नाम से सेव हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, यहां पर देख सकते हैं रन क्वेरी दिया हुआ है, रन क्वेरी पर कर दीजिए क्लिक, तो ये देख सकते हैं इसका टोटल यानी कि मल्टीप्लीकेशन होकर आ गया है, 4 2 8 और 8 7 56, यहां पर ये आ चुका है। फिर 45 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 45 आएगा, और इंटू 6 यहां पर आ गया 270। इसी तरह से अब यहां पर आप लिखते जाइए, आपकी क्वेरी लग चुकी है इसमें, अब आप यहां लिखते जाइए। जैसे मान लीजिए ये हो गई आईडी नंबर 4, यहां पे कर दिया 3 × 2 × 2, तो यहां पर टोटल अपने आप आ जाएगा। जैसे यहां से हटेंगे नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे तो टोटल अपने आप आ जाएगा। फिर यहां पे 5 कर दिया, फिर यहां पर किया 3 × 6 × 8, तो यहां पे टोटल अपने आप आ जाएगा। फिर यहां पर आए 6 कर दिया, फिर यहां पे किया 12 × 4 × 1। ठीक है, तो यहां पे जैसे ही आएंगे तो यहां पे टोटल अपने आप आ जाएगा। तो इसी तरह से करके टोटल आता जाएगा और आपका काम आसान होता जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आई होगी। अब देखिए मल्टीप्लाई हमने अलियास में दिया था, तो मल्टीप्लाई यहां ऊपर में आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो आपका काम इससे काफी आसान हो जाएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।